हेलो फ्रेंड्स, मैं एमके टेलर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं स्कार्फ मास्क। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। मास्क के लिए हमने क्या क्या चाहिए होगा, ये देखिए। ये हमारे पास प्लास्टिक है जो कि सॉफ्ट वाली है, और ये हमारे पास पेपर पेस्टिंग है, और ये हमने पैटर्न कट किया हुआ है। ये नाप करके आपको दिखा देती हूँ कि कितना है। ये हमारे पास इसकी 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है और 5 इंच इसकी लंबाई है। और इसका एक फ़ायदा होता है कि हमें बार बार निशान नहीं लगाने पड़ते हैं। इसको रखा और कपड़े पर निशान लगा दिए और हमारा कपड़ा भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। और ये हमारे पास स्कार्फ के लिए कपड़ा है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कितना है। तो सबसे पहले पेपर पेस्टिंग पर पैटर्न रखेंगे और निशान लगा करके इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, चौक से इस तरीके से इस पर निशान लगा लेंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग पर हमने पैटर्न की कटिंग कर ली है। कपड़े पर रख के दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, ये हमने पैटर्न कट कर लिया है। और अब हमने कपड़े पर कटिंग करनी है, तो कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए, डबल फोल्ड कर लिया है, और एक बार फिर से फोल्ड करेंगे डबल में, और पैटर्न को इस पर रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इससे हमारा कपड़ा भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, और बार बार हमने एंची टेप से निशान भी नहीं लगाने पड़ते हैं, और जल्दी से हमारा पैटर्न कट के रेडी हो जाता है। कपड़े के हमारे पास 4 पीस हैं, 2 पीस अलग कर लेंगे और 2 पीस पर हम पेपर पेस्टिंग चिपका लेंगे। ये देखिए, और जिस तरफ हमारा ये दाने वाला हिस्सा है इसको हम नीचे की साइड रखेंगे इस तरीके से। और अगर हम इसको ऊपर की साइड रखते हैं तो ये हमारा प्रेस से चिपक के ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम ऊपर की तरफ रखेंगे और प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, हमने इस पर प्रेस करके इसको चिपका लिया है। और पेपर पेस्टिंग से हमारे मास्क में बहुत ही फिनिशिंग आ जाती है। तो एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। और इसको इस तरीके से मिला लेंगे, अंदर की तरफ सीधा और बाहर की तरफ उल्टा इस तरीके से मिलाएंगे। और इस पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए चौक से निशान लगा लेंगे सिलाई लगाने के लिए। और इस पर भी हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। अब इसको सिल लेते हैं, यहाँ से सिलाई लगाएंगे और दूसरे पीस पर भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और इसको हम सीधा करेंगे और एक दबाव की सिलाई लगा लेंगे। और दूसरे पीस पर भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारे जो मास्क का कपड़ा है वो अच्छे से दबाव में आ जाए और फिनिशिंग आए। ये देखिए, अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। और सीधी तरफ एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस पर चारों कॉर्नर पर निशान लगा लेंगे लास्टिक लगाने के लिए। और लास्टिक हमने 13 इंच की कट की है, निशान पर हम लास्टिक को रखेंगे और इसको सील लेंगे। और लास्टिक को हमने सीधी तरफ रखना है कपड़े की। ये देखिए,
इस तरीके से रखेंगे और इसको सिल लेंगे और इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से इलास्टिक को सिल लेंगे। यहाँ पर भी हम डबल सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक लगाने के बाद मास्क के दूसरे पीस को उठाएंगे और इस पर अंदर की तरफ सीधा रखेंगे और बाहर की तरफ उल्टा रखेंगे और चारों तरफ से इसको सील लेंगे। यहाँ से खुला छोड़ना है ताकि हम पलटते वक्त हमें कोई दिक्कत ना आए। इलास्टिक को हटाएंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे और सेंटर से सेंटर अच्छे से मिलाएंगे। नीचे से हमने इलास्टिक का ध्यान रखना है ताकि हमारी इलास्टिक सिलाई में ना आए। सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर आने के बाद इसको हम उल्टा ले लेंगे क्योंकि हमने यहाँ से खुला छोड़ना है पलटने के लिए। और ये देखिए यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे पलट करके। और इलास्टिक को खींच करके इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे और इसको बंद कर लेंगे यहाँ से। अब इस पर चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी साथ में दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आज की वीडियो भी आपको हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो ये चारों तरफ सिलाई लगा करके हमने इसको पक्का कर लिया है। ये देखिए ये हमारा मास्क बनके रेडी है। इस पर हमने स्कार्फ अटैच करना है तो किस तरीके से करेंगे देखिए। ये हमारा स्कार्फ के लिए कपड़ा है और ये हमने 20x20 का कपड़ा लिया है और इसको हम चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। और अगर आप इस पर पिको करवाना चाहते हैं तो पिको भी करवा सकते हैं। और अब चारों तरफ से फोल्ड कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से करना है। तो ये हमने चारों तरफ से फोल्ड कर लिया है और इसको हमने एक बार ट्रायंगल शेप में भी फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। और ट्रायंगल शेप में फोल्ड करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। और कटिंग करके सेंटर में एक निशान लगाएंगे। सेंटर में कट लगा लेते हैं और बड़े वाले पीस पर भी हम सेंटर में कट लगा लेते हैं और इसको हमें उल्टा रखेंगे उल्टी साइड से और सेंटर से सेंटर मिला लेंगे मास्क का भी और स्कार्फ का भी। और इसको यहाँ से
सिल लेंगे। मास्क हमने बड़े पीस पर अटैच कर लिया है, अब हमने छोटा पीस इस पर अटैच करना है। इसको भी हमने उल्टी तरफ से ही रखना है, अंदर की तरफ हमारी सीधी साइड होगी और बाहर की तरफ हमारी उल्टी साइड होगी। और अब इसको हम सिल लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और लास्टिक को हम एक तरफ कर लेंगे और अच्छे से इस पर सिलाई लगा लेंगे। और अच्छे से सेंटर मिलाएंगे। और पूरे कपड़े पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। अब इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारा मास्क स्कार्फ से अटैच हो चुका है। तो देखिए ये हमने किस तरीके से किया है। और अगर आप इसको कंट्रास्ट में रखना चाहें तो कंट्रास्ट में भी रख सकते हैं। एक पीस को यहाँ से इसको हम कंट्रास्ट में भी रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ से आप पिको करवाना चाहते हैं तो पिको भी करवा सकते हैं। और अगर आपको हमारा मास्क बनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब इसको पहन के दिखा देते हैं कि कैसे इसको पहना जाता है। ये देखिए, पहले इसको पहनेंगे और फिर इसको पीछे यहाँ पर बांध देंगे। तो देखिए हमारा मास्क